पांडवों की बनाई इंद्रप्रस्थ नगरी, सात बार उजड़ी, सात बार बसाई गई। हिंदुस्तान पर जिसने भी राज किया, दिल्ली पर उसकी नजर जरूर रही। चाहे वो मौर्य हो, मुगल हो या अंग्रेज, वक्त बदलता रहा, बादशाह बदलते रहे, साथ ही साथ दिल्ली की शक्ल भी बदलती रही। आज की दिल्ली जैसी है, कुछ सालों बाद शायद इससे कुछ अलग दिखे। इतिहासकारों का मानना है कि दिल्ली का ये पुराना किला ही वो जगह है जहां पर पांडवों का इंद्रप्रस्थ हुआ करता था। चैनल तो बहुत आ रहे हैं, भक्ति चैनल, बहुत ही अच्छा आपने सोच के नाम रखा है। मैं भी आपके इस चैनल को, भक्ति चैनल को शुभ आशीर्वाद दे रहा हूँ। इंद्रप्रस्थ नाम सुना सुना सा लगता है ना? किताबों के अलावा टीवी पर महाभारत के सीरियल के अलावा भी ये नाम कहीं सुना है, पर कहाँ। दिमाग पर थोड़ा जोर डालिए जनाब। जो लोग दिल्ली या आसपास रहते हैं उन्होंने तो ये नाम अक्सर सुना होगा, साइन बोर्ड्स पर लिखा देखा होगा, मेट्रो में अनाउंसमेंट सुना होगा। जी हाँ, आप सही सोच रहे हैं, इंद्रप्रस्थ, ये वही इंद्रप्रस्थ है। और हम आपको लेकर आए हैं उसी इंद्रप्रस्थ नगरी में। पांडवों का माया महल बड़ा अद्भुत था, विशाल था और शानदार भी। इसमें पांडव वंश के गौरव के अनुरूप भव्यता थी। पुराना किला वैसा तो नहीं दिखता, हाँ, मगर भव्यता किसी भी तरह से कम नहीं है। दीवारें पुरानी हो गई हैं, मगर अब भी मजबूती से खड़ी हैं। भारत के इतिहास की बहुत सी कहानियां यहाँ लिखी गई और महाभारत की कहानी का सबसे अहम हिस्सा भी यही रचा गया। यहाँ से खुदाई में कुछ सामान मिला है जिसे इतिहासकार पांडवकालीन मानते हैं। हालांकि कुछ ऐसे भी हैं जो इस विचार से सहमत नहीं है। इतिहास में महाभारत काल का जो वर्णन मिलता है, पुराने किले में उससे मेल खाती कुछ जगहें हैं जो मान्यताओं को पुख्ता करती हैं। पुराना किला पांडवों के बसाए इंद्रप्रस्थ जैसा नहीं दिखता। हुमायूं के दिने पनाह को दबा करके शेरशाह सूरी ने यहाँ ये किला बनवाया था। अब ये एक अनियमित आयत, एक रेक्टेंगल है जिसका आकार भी एग्जैक्टली रेक्टेंगल जैसा नहीं है। पांडवकालीन अवशेषों में से अब यहाँ सिर्फ एक बावली बची है जिसे हम कुंती कुंड कहते हैं, एक मंदिर बचा है जिसे हम कुंती मंदिर कहते हैं, और एक हमाम बचा है जो द्रौपदी कुंड है। इसके अलावा पांडवों से जुड़ा कोई भी अवशेष अब इस किले के आसपास बाकी नहीं है। बहुत कम लोग जानते हैं कि पुराना किला ठीक उसी जगह पर बसा है जहां पांडवों का इंद्रप्रस्थ था, पांडवों का महल हुआ करता था। 5000 साल पहले पांडवों ने यहां नगर बसाया था। तब से लेकर आज तक यहां कितना कुछ बदला है। राजा आए और गए, राज बने और बिगड़े। इतिहास के पन्नों पर वक्त हर बार एक नई कहानी लिखता रहा, आगे बढ़ता रहा, मगर यहाँ आकर ऐसा लगता है मानो वक्त ठहर गया हो। सिर्फ GNN भक्ति चैनल। Thank you.
आपके जो भक्ति चैनल आप प्रारंभ करने जा रहे हैं, शुरू करने जा रहे हैं, इसके लिए मेरी हार्दिक अभिलाषा है। ऋषि मुनि सा सन्यासी योगी अति सतीमती और जो जीव आत्माएं घूम रही हैं सबकी ओर से ये हार्दिक शुभकामनाएं हमारी आपके साथ हैं। सिर्फ GNN भक्ति चैनल पर। दादी नानी की कहानियाँ, किताबों में छपे किस्से, बड़े बुजुर्गों के मुँह से सुनी पुरानी बातें, सच और कल्पना की अनसुलझी गुत्थी। इतिहास के पन्नों में बंद कौन से किरदार सच्चे हैं और कौन से लेखक के दिमाग की उपज, इसमें भेद करना अक्सर आसान नहीं होता। राम और कृष्ण की कहानियों में भी कितनी कल्पना है और कितनी असलियत, इस पर बहस होती रही है। लेकिन हजारों सालों से चली आ रही मान्यताएं खुद ब खुद आस्था और विश्वास का रूप लेने लगती हैं। पुराने किले की दीवारें बेशक उतनी पुरानी नहीं है, मगर यहाँ की आबो हवा में महाभारत काल से जुड़े इतिहास के बहुत से किरदारों की परछाइयाँ नजर आती हैं। पहली बार पांडवों ने ही इंद्रप्रस्थ को अपनी राजधानी बनाया था, यहाँ महल बनाया, गांव बसाया। चचेरे भाइयों में झगड़ा ना हो, इसीलिए धृतराष्ट्र ने पांडवों को खांडव वन सौंप कर वहाँ बस जाने को कहा था। खांडव वन बंटवारे के बाद पांडवों के हिस्से में आया वो जंगल जिसे साफ करके उन्हें अपने लिए एक महल बसाना था, अपने लिए एक गांव बनाना था। इस जंगल पे सांपों का राज हुआ करता था और यहाँ रहता था विश्वकर्मा का शापित चेला मैदानव। जंगल को साफ करके सांपों को भगा के पांडवों ने मैदानव से यहाँ एक महल बनवाया और उसका नाम रखा इंद्रप्रस्थ। कहते हैं इंद्रप्रस्थ एक माया नगरी हुआ करती थी, यहाँ सब कुछ छलावा था। कहाँ दीवार है, कहाँ दरवाज़ा, फर्क समझ भी नहीं आता था। कहाँ पानी है, कहाँ ज़मीन, इसमें भी भेद करना बड़ा मुश्किल था। अनजान आदमी अक्सर यहाँ धोखा खा जाया करते थे और दुर्योधन भी धोखे का शिकार होकर पानी में गिर पड़ा था। द्रौपदी अपनी हंसी रोक नहीं पाई और उसके मुँह से निकला अंधे का पुत्र अंधा। यही वो लम्हा था जिसने महाभारत की लड़ाई की नींव रख दी। यहीं पर कहीं युधिष्ठिर का राजभवन रहा होगा, एक दरबार होगा जहां फरियादी आते होंगे, फैसले सुनाए जाते होंगे, और यही कहीं रहा होगा वो माया महल जहां दुर्योधन पानी को जमीन समझकर उसमें गिर पड़ा था। इतिहासकारों का एक बड़ा वर्ग ये मानता है कि युधिष्ठिर की बसाई इंद्रप्रस्थ नगरी यही इसी जगह पर थी। जुए में हार जाने तक पांडव यहाँ राज किया करते थे, फिर सब कुछ दुर्योधन के पास चला गया। इसके बाद पांडवों को अपना महल छोड़कर 13 साल के लिए वनवास जाना पड़ा। पांडवों का इंद्रप्रस्थ उनका आशियाना तो था ही, साथ ही कौरवों को एक कूटनीतिक और शांतिपूर्ण जवाब भी था। खांडव वन जैसे भयानक जंगल को शानदार माया महल में तब्दील करके पांडवों ने अपना कौशल साबित किया था। सब कुछ था यहाँ, दरबार, रंग महल, स्नानागार और मंदिर। ये है कुंते कुंड, कहते हैं यहाँ कुंती स्नान किया करती थी, ये उसका स्नानागार हुआ करता था, और वहाँ उस तरफ है कुंती मंदिर। कुंती बहुत बड़ी शिव भक्त मानी जाती हैं, इसीलिए खास कुंती के पूजा करने के लिए एक राजसी मंदिर बनाया गया था जिसमें भगवान शिव की स्थापना की गई थी, साथ ही साथ माँ दुर्गा की स्थापना की गई थी। यहाँ रोज सुबह स्नान करने के बाद कुंती सीधे वहाँ मंदिर में जाती थी और भगवान शिव और दुर्गा की उपासना करती थी। शिव भक्त कुंती का दिन शिव पूजन के बिना शुरू ही नहीं होता था। भगवान शिव और दुर्गा के इस मंदिर में वो रोज आराधना किया करती थी। मंदिर का ये परिसर तो खास पुराना नहीं है, हाँ मगर यहाँ स्थापित देवी देवता 5000 सालों से यहीं विराज रहे हैं। मानो आज भी कुंती की आराधना के बदले फल दे रहे हों। सालों तक ये मंदिर सुनसान पड़ा रहा, फिर एक भले परिवार ने इसका जिम्मा उठा लिया।
इतिहास की किताबों में मंदिर का जिक्र बहुत कम आता है। 1915 में पंडित ग्यासीराम भारद्वाज ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। तब से लेकर आज तक उन्हीं के वंशज इस मंदिर की देखभाल भी करते हैं और पूजा अर्चना भी। यहाँ रोज नियम से भगवान शिव का जलाभिषेक होता है। दुर्गा के मंदिर में ज्योति प्रज्वलित की जाती है, मगर यहाँ आने वाले पर्यटकों और सैलानियों की नजर अब भी इस पर नहीं पड़ती। ये मंदिर सूना पड़ा रहता है, मगर यहाँ की शांति अद्वितीय है, मन को निर्मल करती है। कुंती मंदिर और कुंती कुंड से चंद कदमों की दूरी पर है द्रौपदी कुंड। आज अगर आप पुराने किले जाएंगे तो आपको ये जगह द्रौपदी कुंड के नाम से नहीं बल्कि हमाम के नाम से मिलेगी। मुगल बादशाह के किले में यहीं पर शाही हमाम हुआ करता था। मान्यताएं कहती हैं कि हमाम की जगह पहले द्रौपदी कुंड था। सिर्फ GNN भक्ति चैनल पर। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। बड़ी खुशी की गल है कि GNN भगती चैनल बहुत छेती शुरू किया जा रहा है। असी आस करांगे कि इस चैनल विच गुरबाणी का कीर्तन, कथा अते वक् वक् विद्वाना राही चंगे विषयां दे उपर विद्वाना दे कोलों डिस्कशन करवाई जावे, ताकि उस डिस्कशन का जिहड़ा लाभ है वह जन साधारण उठा सके। मेरी अरदास है कि गुरु पातशाह इस चैनल नूं चढ़दी कला बख्शन, और जिस भावना दे नाल ये चैनल शुरू किया जा रहा है वह भावना भी पूरी हो सके, अते जन सधारण भी इस चैनल तो इस प्रोग्रामा तो वध तो वध लाभ उठा सकन। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सिर्फ GNN भक्ति चैनल पर। जी नहीं, नाम पर मत जाइए। इसका नाम द्रौपदी कुंड जरूर है, लेकिन यहाँ द्रौपदी स्नान बिल्कुल नहीं करती थी, यहाँ द्रौपदी ध्यान किया करती थी। जैसे कुंती के लिए कुंती मंदिर बनाया गया था, पांडवों ने द्रौपदी के लिए बनवाया था द्रौपदी कुंड। द्रौपदी निराकार की उपासक थी और इस चार दीवारी के भीतर गहराई में एक बेसमेंट है, उसमें बैठकर द्रौपदी मेडिटेशन करती थी, ध्यान करती थी। मंदिर और कुंती कुंड की तरह ही इस पर भी शायद ज्यादा लोगों की नजर नहीं पड़ी। अब ये जगह ध्यान कक्ष जैसी भी नहीं रही। द्रौपदी का ध्यान कक्ष अब एक बड़े से अंधेरे कूड़ेदान में तब्दील हो गया है। भीतर पत्थरों पर हमारा दावा है कि इस सब के अलावा और कोई लिखावट आप नहीं पढ़ पाएंगे। किले के परिसर के बाहर एक और मंदिर है। कहते हैं यहाँ साक्षात काल भैरव विराजते हैं। महाबली भीम ने उनकी यहाँ स्थापना की थी। मंदिर जो पूर्वजों से बुजुर्गों से सुनते हुए आ रहे हैं,
ये पांडवकालीन है। पांडवों के जो भाई थे भीमसेन, वो बाबा को लेकर आए थे। जिस स्थान पे अभी मूर्ति है पिंडी रूप में, इसी स्थान पे कहते हैं बाबा बैठे थे आके। पांडवकालीन मंदिर है ये। यहाँ जो लोग सच्चे मन से आते हैं, बाबा से प्रार्थना करते हैं, बाबा सबकी सुनते हैं, सबकी मनोकामना पूर्ण होती है, सबके दुख हरते हैं बाबा, इसीलिए लोग आते हैं, पूजा अर्चना होती है। पांडवों को गए एक युग बीत चुका है, मगर पुराने किले के कोने कोने में ऐसी चीजें बिखरी पड़ी हैं, जो आपको उसी पांडवकालीन युग के ठहराव का एहसास दिलाएंगी। कौन कहता है पत्थर बोला नहीं करते? पुराने किले का हर पत्थर एक अलग इतिहास कहता है। पांडवों के जाने के बाद सदियों तक ये नगर बियाबान रहा। इसके बाद एक एक करके मौर्य, सुंग, कुषाण, गुप्त, राजपूत, दिल्ली सल्तनत और मुगल बादशाहों ने यहाँ राज किया। पुरातत्व विभाग को सालों पहले यहाँ खुदाई में इन सारी सभ्यताओं से जुड़ी निशानियां मिल चुकी हैं। इन सभी को पुराने किले के भीतर ही एक संग्रहालय बनाकर संजोया गया है। सन 1533 में दूसरे मुगल बादशाह हुमायूं ने यहाँ दीने पनाह नगर बनाया था, मगर जाने कौन सा श्राप था इस नगरी पर, जो भी इसका मालिक बना ज्यादा देर के लिए इसका सुख नहीं भोग सका। इससे पहले कि हुमायूं अपने शहर को पूरी तरह तैयार कर पाता, शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हराकर पूरे शहर को तबाह कर दिया और यहाँ बनाया ये पुराना किला। शेर शाह सूरी ने इसे नाम दिया शेरगढ़, मगर शेर शाह सूरी भी शेरगढ़ का निर्माण पूरा नहीं कर सका और 5 सालों बाद ही उसकी मौत हो गई। शेर शाह सूरी से मात खाने के बाद 15 सालों से हुमायूं काबुल में रह रहा था। दिल्ली खाली पड़ी थी और हुमायूं ने इस पर दोबारा कब्जा कर लिया, किले का निर्माण पूरा करवाया और शेर मंडल को बनाया अपनी लाइब्रेरी। मगर हुमायूं इस बार भी किले में रहने का सुख नहीं भोग सका और 1 साल के भीतर ही शेर मंडल में बनी अपनी लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिरकर उसकी मौत हो गई। इसके बाद यहाँ ताजपोशी हुई आखिरी हिंदू राजा सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य की, मगर पानीपत की दूसरी लड़ाई में वो भी मारा गया। इन पत्थरों ने सब देखा है, युगों का बदलना, राजाओं की शान, सल्तनतों का उत्थान और पतन। कई बार सालों तक ये तन्हा रहे, ना किसी ने इन्हें याद किया, ना यहाँ आने की तमन्ना जाहिर की। बादशाह अकबर ने भी यहाँ रहने से इनकार कर दिया था। तब से यहाँ कोई रहने नहीं आया। अब यहाँ सैलानी आते हैं, हजारों साल पुरानी विरासत से रूबरू होने। अब पुराना किला एक संरक्षित स्मारक है, देखरेख के लिए सरकारी इंतजाम है और अमला भी, मगर बुनियादी सुविधाओं की कमी यहाँ आने वाले सैलानियों को परेशान करती है। It was one of the location which I cited in Delhi, and I felt very bad that our government has not taken any maintenance work on that, and there is no guide. I checked in the ticket counter, and the security guy, he was just shaking his head, and he was, I think, his mom. Okay, I felt very bad to hear about our historic or prehistoric or pre our what you call it, civilization stories, which is very hard to know now. Even internet cannot provide all these things. There is option to freely physically inform, but and it was very impressive to visit the museum and the stuff. I like this place, very calm and green fields and lots of historical remains. I like this, and most important, there's not very much people in it, so I think it's a better, it's a good place. And also, I can steal some history, you know. I can learn from the architecture museum. I can learn it. Website पर यहाँ रोज होने वाले light and sound show का जिक्र मिलता है, लेकिन हम आपको बता दें कि बदइंतजामी के चलते वो भी कब का बंद हो चुका।
सिर्फ GNN भक्ति चैनल पर। GNN भक्ति पर भक्ति की रसधार ऐसे ही बहती रहे मेरी शुभकामनाएं हैं, और मैं जानता भी हूं, मैं भविष्यवाणी भी करता हूं कि ये चैनल आने वाले दिनों में बहुत बढ़िया से अपने को स्थापित करेगा। सिर्फ GNN भक्ति चैनल पर। पुराने किले के पत्थर बेजान नहीं है, ये देख सकते हैं, सुनते हैं और सब कुछ इतिहास के पन्नों पर लिखते रहते हैं। मगर आज हम जो इतिहास इन पत्थरों पर लिख रहे हैं, क्या वो भी इतना ही गौरवशाली होगा? सिर्फ GNN भक्ति चैनल पर। अल्लाह ताला आपके चैनल को तरक्की दे, इज्जत दे, और हमारी दुआएं आपके साथ हैं। सिर्फ GNN भक्ति चैनल पर।